वॉट इज अब दोस्तों कैसे हो आज मैं आपसे एक केस स्टडी शेयर करना चाहता हूँ तो बिफोर गेटिंग इन टू द केस स्टडी आपसे मैं निवेदन करता हूं देखो मैं थोड़ी सी हिंदी ओके okay है बट एनी विच वेज लेट्स ट्राई सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइज दैट अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं लाइक्स करना भूलना नहीं और कॉमेंट्स में बताइए अगर आपको कोई भी चीज की डिफिकल्टी है आई ट्राई टू मेक अ वीडियो इफ आई गेट इनफ कॉमेंट्स एंड Uh, people uh, if they want that kind of you know content so uh, ये हमारे अमेजोन पी पी सी के uh, client थे so basically हमसे in the month of September से हमने start किया था इनका और इनको काफ़ी अच्छे results आ रहे हैं सो so मैंने उसी लिए सोचा कि आपको आपके साथ शेयर करूँ ये केस स्टडी तो आपको थोड़ा आइडिया आए कि हमने क्या किया और कैसे किया सो so, जब हमारे साथ वो August के मंथ में आए थे तो उनकी जो स्पेंड था वो थर्टी टू थाउजेंड था फिर सेल था वन लैख थर्टी टू थाउजेंड और उनका था ट्वेंटी फोर परसेंट ए कॉस्ट देखिए ईयर अगस्त का मंथ राइट सो मुझे काफ़ी उन्होंने बताया कि यार मुझे यार विरल सेल बढ़ानी है और मुझे कुछ हेल्प कीजिए मैंने उनका अकाउंट देखा मैंने उनका अकाउंट का ऑडिट किया जैसे हम हर अकाउंट को पहले ऑडिट करते हैं और चेक करते हैं कि हम आपका अकाउंट ग्रो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे अगर मैं आपका अकाउंट ग्रो नहीं कर पाऊंगा तो मुझे ही लगता है कि मुझे आपसे पैसे लेके आपको झूठ बोलना चाहिए काफी लोग इंडस्ट्री में ऐसा करते हैं और काफी लोग नहीं भी करते हैं बट मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो नहीं करते हैं क्योंकि अगर आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे तो आपको कोई भी रिटेन नहीं करेगा प्लस अच्छा भी नहीं लगता है राइट मतलब मन से अच्छा नहीं लगता है कि जब हम इसका ग्रो नहीं कर पाए तो क्यों उनका पैसा बर्बाद करना क्योंकि अमेजोन पीपीसी आपको समझना है कि आप आपका अकाउंट किसी को नहीं दे रहे आप आपके पैसे दे रहे हो मैनेज करने के लिए इट्स इट्स एन लाइक इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर को कैसे देते हो अगर उनके पास टेक्निकल नॉलेज अच्छी नहीं है तो वो आपका पैसा बर्बाद कर देंगे वैसे ही एड्स मैनेजमेंट पे अगर आप प्रॉपरली अकाउंट स्टडी नहीं करेंगे और उसको प्रॉपर की एंड एवरी थिंग बिड मैनेजमेंट बहुत सारी चीजें है वो अगर आप प्रॉपर रन नहीं करोगे तो आप पैसा मतलब फ्री में वेस्ट कर रहे हो और ये डबल एच स्वर्ड है डबल -एच मतलब आप उनको तो पैसे दे ही रहे हो <laughs> मतलब कैसे बताओ आप उनको पैसे दे रहे हो आपके पैसे बर्बाद करने के लिए सो so, आप उनको पैसे दे रहे हो आपके पैसे बर्बाद करने के लिए uh, ये थोड़ा हिलरियस है एनी वे सो इन्होंने मुझे बोला यार मैं थोड़ी सी से सेल बढ़ा दो और एटलीस्ट फाइव परसेंट सिक्स परसेंट तो बढ़नी ही चाहिए प्लस मेरा एॉस भी बहुत ऊपर है अब ट्वेंटी फोर परसेंट मैं सच बोलू तो बहुत अच्छा एक कोॉस है uh, काफी लोग को मतलब फाइव सिक्स सेवन परसेंट चाहिए लिटरली आप सिक्स सेवन परसेंट एक कॉस में ग्रो नहीं कर पाते दो चार कैंपेन आपके अच्छे चल जाएंगे बट आप आप ग्रो नहीं कर पाओगे ग्रो मतलब अगर आपकी सेल हंड्रेड है तो आप टू हंड्रेड नहीं कर पाओगे वो वो परसेंटेज से तो so डेफिनेटली थोड़ा और ए कॉस होगा चलेगा लेकिन आपकी सेल कंसिस्टेंटली ग्रो होनी चाहिए तभी आपको ज़्यादा प्रॉफिट्स आएंगे अदरवाइज सेल्स कंसिस्टेंट है और ए का सिक्स सेवन परसेंट है तो आप डेफिनेटली ये दोनों चीज साथ में ही चलती है अगर आप ए कॉस बहुत कम कर दोगे सेल हंड्रेड एंड टेन परसेंट ड्रॉप होगी तो हमने इनका अकाउंट ऑडिट किया और काफ़ी सारी चीज़ें चेक की उसके बाद रिजल्ट एक है सेप्टेम्बर मंथ में थर्टी फोर थाउजेंड स्पेंड था इधर टू इधर था 34. तो हमने सिर्फ तो दो तो तो तीन हजार बढ़ा दिया थ्री टू थ्री पॉइंट टू रुपीज से टू परसेंट से साढ़े तीन परसेंट से और इनकी सेल देखिए सेल ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है सेल हमने जंप करा दी 23% से हाउ मच 23% और एकॉस हमने रिड्यूस कर लिया पहले 24 था अभी 20.80 है हो गया 3.20 सो so, हमने इसका एकॉस भी <coughs> देखिए दो चीज हुई एक चीज एकॉस कम हो गया राइट सेल्स बढ़ गई सेल्स 20% से बढ़ी आप इमेजिन करो कोई अकाउंट अगर 20% से ग्रो हो रहा है और उसकी एकॉस भी कम होती जा रही है तो मतलब ये मेरे को मुझे पता नहीं कि बहुत कम सेलर्स कर पाते हैं और बहुत कम लोग ये चीज़ विटनेस कर पाते हैं कि उनका अकाउंट बिना कुछ नया एसकी यू एड किए कंसिस्टेंटली टेन ट्वेंटी परसेंट बढ़ते जा रहा है और इनका ए कॉस्ट या तो उतना ही है या तो उससे कम हो रहा है सो so ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिजल्ट था और मैं काफ़ी खुश था इसीलिए मैंने एक केस स्टडी बनाई और आपको समझाना चाहता था कि तो ये चीज तो हो गई चलो ट्वेंटी थ्री परसेंट विरल आपने ला लिया ए कॉस कम कर दिया आप सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि ये हुआ कैसे और हमने किया कैसे आप देखेंगे स्पेंड मैंने सिर्फ थ्री पॉइंट टू थ्री परसेंट एक्स्ट्रा किया था क्योंकि इनकी जो एग्जिस्टिंग कैंपेन्स थी वो सब चल रही थी अच्छी चल रही थी मैं ना नहीं बोलूँगा खराब थी बट वो बराबर से मैनेज नहीं कर रहे थे वो बिड्स प्रॉपर नहीं कर रहे थे हम ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बहुत बात करते हैं और सब लोग को ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टेमाइजेशन समझ में नहीं आता है तो मैं आपसे एकदम कंप्लीटली लेमैन लैंग्वेज में ब्रेकडाउन करना चाहता हूँ ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ तीन चीज़ों के लिए होता है एक होता है हाई ए कॉस्ट नो ऑर्डर सेल्स और थर्ड होता है आपका जो ऑर्डर्स आ गए जीरो और उसके ऊपर आपका स्पेंड हो रहा है सो so, अभी हाई ए कॉस्ट मतलब क्या होता है आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं तभी तो आपको ए आ रहा है ऑर्डर्स आ रहे हैं लेकिन उसका एस जो है वो बहुत हाई है जैसे अगर आपका मार्जिन ट्वेंटी परसेंट बट ए आ रहा है 50%, और 50 पे तो आप उसको कंटिन्यूसली रन नहीं कर सकते वरना तो आप लॉस में चले जाओगे बहुत ज़्यादा लॉस में तो आप ऑप्टिमाइज़ करते हो कैंपेन को हाई एकॉस जो भी हाई एकॉस है जिस जिसपे ऑर्डर आए हुए उसको आप बिड कम करके उसको अपना टारगेट जो भी आपका टारगेट एकॉस है उसको उस उधर तक लेके आते हो सो so इसको कहते हैं फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन सो आप वो जो भी अच्छे से कन्वर्ट हो रहे हैं लेकिन उसकी एकॉस बहुत हाई है आप उसको पॉज नहीं करोगे आप उसका बिड कम करोगे नंबर वन नंबर टू जो होता है ऑप्टिमाइजेशन होता है वो होता है उस चीज़ों के लिए जिसके पर क्लिक्स आ रहे हैं लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे अब मुझे क्लिक्स आ रहे हैं और ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो मैं इसको पॉज नहीं करूंगा मैं भी उसका भी बिड कम करूंगा और उसको बिड कम करके फिर से चेक करूँगा कि लोअर बिड पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है अब हम बिड क्यों कम करते हैं रीजन बींग मैंने वो की पॉज कर दिए तो मेरे पास कोई चांस नहीं है कि वो की वर्ड मैं कभी दिखूँगा या मेरी ऑर्गेनिक रैंकिंग आएगी बट लेट्स से अगर मैं बिड बहुत छः रुपया कर रहा हूँ तो मेरा टॉप पे आ रहा होगा ऐड और कन्वर्ट नहीं हो रहा है ठीक है नो प्रॉब्लम अगर मैं इसका बिड कम कर दूंगा तो वो टॉप पे नहीं आएगा वो सेकंड पेज थर्ड पेज या किधर भी और अपीयर होगा और उससे क्या होगा मुझे चीप क्लिक्स मिल सकते हैं और मुझे सेल्स मिल सकती है एटलीस्ट मेरे पास चांस है कि मैं ऑर्गेनिकली आऊं अब जब मैंने बिड कम कर ली तो मेरे क्लिक्स कम हो जाएंगे मेरी स्पेंड कम हो जाएगी और हर चीज़ कम हो, मेरे इंप्रेशन कम हो जाएंगे बट डेफिनेटली मेरे पास चांस हमेशा हमेशा रहेगा कि मैं उसको ऑर्गेनिकली वो मेरा प्रोग्राम मेरी एड कहाँ ना कहाँ तो अपेयर हो फॉर दैट की वर्ड सो दैट इज़ अ सेकेंड ऑप्टोमाइजेशन जो लोग करते हैं जिसको बोलते हैं कीवर्ड ब्लीडर्स कीवर्ड ब्लीडर्स क्यू क्योंकि इसमें ऑर्डर जीरो है आपको और उसके ऊपर क्लिक्स है और आपका स्पेंड बहुत हाई हो रहा है सो so, एक हो गया हमारा हाई एक कॉज एक हो गया हमारा कीवर्ड ब्लीडर्स जिसमें हमारे को ऑर्डर नहीं आ रहे तो ये दो चीज़ों के लिए हम लोग ऑप्टोमाइज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा और थर्ड हम ऑप्टोमाइज़ करते हैं जीरो इंप्रेशन के लिए अगर कोई कीवर्ड पर आपको इम्प्रेशन नहीं आ रहे तो उसके बिट बढ़ाते हैं अनटिल वो इम्प्रेशन लाए वना हम टेस्ट कैसे करेंगे सो so, ये अकाउंट में मैंने देखा था काफ़ी छोटे छोटे कैंपेन से मतलब ये लोग काफ़ी एड टाइप्स रन नहीं कर रहे थे और जो रन कर रहे थे वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे थे बिड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर नहीं कर रहे थे तो हमने उनकी बिड ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से की सेगमेंटेशन किया सर्च टर्म रिपोर्ट पर अगर सेगमेंटेशन आपको थोड़ा फॉरेन लैंग्वेज लग रहा है तो आप लास्ट वीडियो देखिए उसमें आपको मैंने बताया कैसे हम डेटा सेगमेंटेशन करते हैं मैनुअल कैंपेन के अंदर तो हमने वो किया फिर हमने काफ़ी इनके कैंपेंस आउट ऑफ बजट जा रहे थे तो उनको हमने बजट इंक्रीज किया क्योंकि हम लोग बैक एंड से कंट्रोल कर रहे हैं हर चीज़ ऑप्टिमाइजेशन कर रहे तो हमको टेंशन नहीं है कि वो कीवर्ड्स पे स्पेंड करते जाएंगे हम वो सारे की को बैक एंड पे कंट्रोल कर रहे हैं सो so, हमने वो किया फिर हमने बहुत सारे न्यू कैम्पेन्स रन किए एक हमने रन किया था एटलीस्ट हमने न्यू ट्वेल्व ऑटो कैंपेंस रन किए थे फॉर ईच एसकेयू, ठीक है ये एक नया ये हम काफ़ी करते ही है सो ट्वेल्व कैंपेन्स फॉर ईच एस के हमने रन किया ऑटो ऑटो कैंपेन्स और फिर उसके बाद हमने मैनुअल में जो जो की वर्ड्स पर लोग बिड कर रहे थे वो खाली एक ही मैच टाइप में कर रहे थे सारे मैच टाइप पे हमने टेस्ट किया जैसा आप उन्होंने सिर्फ फ्रेस पे कर रहे थे हमने एग्जैक्ट में किया ब्रॉड में किया फिर स्पॉन्सर ब्रांड स्टार्ट की और ओवरऑल मतलब ओवरऑल ये जो रिजल्ट आया है वो वो काफ़ी बेहतरीन आया हुआ है तो ये सारी चीज़ें हमने की और बहुत सारी और भी जैसे कैटेगरी टारगेटिंग की कैडिगे टारगेटिंग में हमने वो एसेंस को ही टारगेट किया जिसमें उनसे रिव्यूज़ ज़्यादा है मतलब कम उनसे कम है उनकी प्राइजिंग उनसे ज़्यादा है सो so, बहुत सारी हाई लेवल स्ट्रेटजी हमने की टॉप ऑफ द सर्च किया और टॉप ऑफ द सर्च भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और हमने नगेटिव अभी तक नहीं डाले ये कैंपेन ये आ, अकाउंट में सो मे बी नेक्स्ट मंथ से हम थोड़ा बहुत नेगेटिव कैंपेन्स डालेंगे नेगेटिव कीवर्ड्स डालेंगे क्योंकि हमें हर कीवर्ड को अच्छा खासा चांस देना था परफॉर्म करने के लिए और फिर डिसाइड करना था अगर ये नेगेटिव में जाएगा कि नहीं जाएगा सो आई होप आपको ये केस स्टडी काफ़ी अच्छी लगी हो कुछ तो आपको मिला हो उसमें से सो so डेफिनेटली अगर आपके पास कोई अकाउंट है जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको ये सारी बेसिक चीजें करनी है आपको आपको बिड ऑप्टिमाइजेशन करनी है हाई कॉस्ट के लिए वेस्टेड स्पेंड के लिए जीरो इम्प्रेशन के लिए आपको हर मैच टाइप रन करनी है और डेफिनेटली टेन टू ट्वेल्व ऑटोज तो आपको करने ही चाहिए मैं करता हूँ अभी मुझे नहीं पता आप करोगे कि नहीं करोगे बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया लेना है कि कैसे मैं ऑटो कैंपेन्स रन करता हूँ और थोड़ा बहुत एक स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप मेरा ऑटो वाला कैंपेन भी देख सकते हो आई बटन ऊपर है उसके अंदर ही लिखा हुआ है मैंने वो वीडियो सो आप उसको जाके भी स्टडी कर सकते हो देख सकते हो और ये एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ ये रिजल्ट टिपिकल नहीं है हर हर अकाउंट अलग होता है सो अगर इनका ये चीज़ फर्स्ट मंथ में आया तो डेफिनेटली कंपलसरी नहीं हर अकाउंट का ऐसा है एक मेरे और अकाउंट था जिसमें सिर्फ एट परसेंट का रिजल्ट आया एट परसेंट फर्स्ट मंथ में इंक्रीज हुआ बट काफी अच्छा था क्योंकि हम थोड़ा ए कॉस्ट थोड़ा ऊपर गया बट उसकी सेल्स काफी अच्छी से बढ़ गई उनकी टॉप एसके यूज के ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट सेल्स बढ़ गई इन द फर्स्ट मंथ ए कॉस्ट थोड़ा हाई था मैं ना नहीं बोलूंगा बट डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ए कॉस्ट भी कम आ जाएगा बट कंसिस्टेंटली अगर आपकी सेल नहीं बढ़ रही है तो so, आप अमेजोन पर ग्रो कैसे करोगे एक ऑस खाली हमारा पैसा बचाने के लिए नहीं होता है एड्स होती है ताकि हम कंसिस्टेंटली अमेजोन प्लेटफॉर्म पे ग्रो हो और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको एड्स पे बहुत फोकस करना चाहिए सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है आपके अमेजोन टूल किट में अगर आपको आपका अमेजोन का अकाउंट ग्रो करना है कंसिस्टेंटली आफ्टर लॉन्चिंग प्रोडक्ट क्योंकि अमेजन में और मतलब आप क्या यूज करोगे कर आप कुछ कहीं से भी आप सेल्स नहीं बढ़ा सकते अमेजॉन पे आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अगर आप एड्स को यूज़ नहीं कर रहे हो तो क्योंकि ऑर्गेनिकली तो आपका रैंक कैसे बढ़ते जाएगा आपको कुछ तो और करना ही पड़ेगा और अमेजोन में सिर्फ ये ही इतना अच्छा टूल है कि आपको डेफिनेटली बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पर बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे सो so अभी के लिए इतना ही दोस्तों अगर आपको इंटरेस्ट है पी मैनेजमेंट सर्विसेज में और आपकी सेल एटलीस्ट एट लैख प्लस है तो आप नीचे गूगल फॉर्म भर सकते हो और मुझे डिटेल्स uh, मिलने के बाद अगर हमारा क्राइटीरिया फिट होगा और हमको लगेगा कि आप सारे क्राइटीरिया मीट करते हो तो हम आपको कॉल करेंगे और आपका अकाउंट और डिस्कस करेंगे ऑडिट करेंगे और फिर देखेंगे अगर आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ कि नहीं अगर हम हेल्प कर सकते हैं तो आपको एक अच्छे से कोट करेंगे और हमारा कोटिंग सिस्टम बहुत मतलब कोट देने का सिस्टम बहुत सिंपल है हम छोटा सा फिक्स फी रहते हैं मतलब जो भी पर मंथ फिक्स फी प्लस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस परसेंटेज इसका मतलब अगर हम परफॉर्म करेंगे तो हम आपके एड टोटल सेल्स नहीं एड सेल्स का एक परसेंटेज लेंगे वो भी बहुत स्मॉल होता है क्योंकि वो रिजल्ट अगर हम परफॉर्म करेंगे तो हम उसका परसेंटेज लेंगे जो भी रिजल्ट हम परफॉर्म करें सो so इसमें आपकी लाइबिलिटी बहुत कम है क्यों क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको एक छोटा सा फिक्स फी देना है और अगर हम हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हो तो आप मुझे परसेंटेज इतना कम मतलब मुझे परसेंटेज काफ़ी कम मिलेंगे अगर मैंने आपका सेल्स डबल ट्रिपल जितना भी मैंने कर पाया उतना परसेंटेज पे मुझे बेनिफिट होगा सो so, ये एक विन विन सिचुएशन दोनों क्लाइंट्स के लिए सो so, येस yes, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली फॉर्म भरिए कुछ और बात करनी है इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो मुझे uh, नीचे लिंक्स दिए हुए तो so, अभी के लिए इतना ही मिलता है आपको अगले वीडियो में अंटिल देन कीप सेलिंग एंड कीप क्रशिंग सी यू